आज हम करेंगे राज्य प्रशासन का महत्व। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों का अपना अपना महत्व होता है। विशिष्ट इकाई होने के कारण राज्य का महत्व भी उतना ही होता है जितना केंद्र स्तर पर होता है। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनके आधार पर हम लोग राज्य प्रशासन के महत्व को समझ सकते हैं। पहला आता है विशाल भौगोलिक क्षेत्रों में उपयोगी। राज्य प्रशासन बड़े भूभाग पर बना हुआ एक राज्य होता है जिसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नियंत्रण, संचार, पर्यवेक्षण, समन्वय स्थापित करने और विकेंद्रीकरण को मूर्त रूप देने में भौगोलिक विशालता एक बाधा के रूप में भी कार्य करती है। भारत में जम्मू कश्मीर एक ठंडा प्रदेश है तो राजस्थान गर्मी से तपता है। इसी प्रकार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, असम सबकी अलग अलग प्रकृति है। ऐसे में विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों से उपस्थित समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए राज्य प्रशासन ही सार्थक और उपयुक्त है। राज्य प्रशासन के माध्यम से अपने निर्धारित भूमि क्षेत्र के विकास के लिए सार्थक योजनाएं बनाई जा सकती हैं जो व्यवहारिकता के धरातल पर टिकी होती हैं तथा जो जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होती हैं। दूसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के लिए आवश्यक है। प्राचीन काल से ही भारत विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं और संस्कृतियों का शरण स्थली रहा है। सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण शासन की कार्यशैली, जनता की अपेक्षाएं दोनों ही परिवर्तित होती रहती हैं। 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन के भाषाई आधार पर हुआ था क्योंकि ये एक स्वाभाविक मांग थी। नस्ल, भाषा, धर्म के आधार पर प्रशासन का संचालन होना एक स्वस्थ परंपरा नहीं हो सकती, पर फिर भी वास्तविकता ये है कि भारत में भाषा, धर्म, अन्य आधार पर क्षेत्रीय सरकारों का स्वरूप उभरता रहा है, बिगड़ता रहा है। हालांकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां किसी भी संप्रदाय या भाषा को विशेष स्थान नहीं है और न ही इन आधारों पर शासन चलाया जाना चाहिए, लेकिन हम स्थानीय संस्कृति को भी नकार नहीं सकते हैं। जब एक राज्य में कई प्रकार की सांस्कृतिक मान्यताएँ सम्मिलित होती हैं तो उनमें संघर्ष पैदा होता है। अतः राज्य प्रशासन के माध्यम से संपूर्ण देश का शासन कुछ विशिष्ट इकाइयों में बढ़ जाता है जो कि सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तीसरा है लोकतंत्र की सार्थकता। वर्तमान में अधिकांश सरकारें प्रजातंत्र की लोकप्रिय आधारशिला पर खड़ी हैं। लोगों को प्रशासन में विश्वास होता जा रहा है। भारत में दोनों स्तरों पर संघ और राज्य में लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है जिसके माध्यम से जनता शासन की नीतियों, कानूनों और कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाती है, जिसे हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से भी जानते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में राज्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करने, विकास कार्यक्रमों को चलाने में राज्य सरकार की, राज्य प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप तभी साकार हो सकता है जब जनता की आकांक्षाओं और समस्याओं को न केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों बल्कि नौकरशाहों के द्वारा भी भलीभांति सुना जाए, समझा जाए और समस्याओं का निपटारा किया जाए। चौथा आता है कल्याणकारी कार्यों की पूर्ति। आधुनिक शासन व्यवस्थाओं का मूलभूत दायित्व जन कल्याण, सुरक्षा और विकास को गति प्रदान करना है। अनुच्छेद 246 की 7वीं अनुसूची के माध्यम से शासन के विषयों को संघ और राज्य तथा समवर्ती सूची में विभक्त किया गया है। संघीय सूची में अति महत्वपूर्ण तथा राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं और राज्य सूची में राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण विषय हैं जो कि राज्य प्रशासन के अधीन आते हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पुलिस, वन, रोजगार, ग्रामीण विकास, पेयजल आदि। फिर आता है राष्ट्रीय एकता में सहायक। राज्य प्रशासन
भारत की एकता में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके माध्यम से नागरिकों और शासनधीशों के मध्य समन्वय बढ़ता है और साथ ही अपनत्व की भावना भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आता है संघ के समानांतर कार्यकारी अभिकरण के रूप में। जिस प्रकार केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है विकास की, उसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने राज्य का विकास कर सके। केंद्र द्वारा तैयार नीति कार्यक्रम और योजनाओं को गांव और ढाणी स्तर तक लागू करने में राज्य प्रशासन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम चेचक निवारण, साक्षरता प्रसार, पल्स पोलियो आदि में राज्य प्रशासन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जनसंपर्क का माध्यम। राज्य प्रशासन में कार्यरत मंत्री और कर्मचारी तंत्र में नियुक्त लोक सेवक दोनों मिलकर जनता से निकट संपर्क बनाए रखते हैं, जिससे कि कल्याणकारी नीतियों को ग्रास रूट लेवल तक पहुँचाया जा सके। राज्य का मुख्यमंत्री, सभी मंत्री, विधायकगण अपने क्षेत्रों का दौरा करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है लोक सेवकों की आत्मीयता और प्रतिबद्धता। आधुनिक शासन व्यवस्था में कर्मचारी महत्वपूर्ण है। कोई भी कार्य कर्मचारियों के अभाव में पूरा नहीं किया जा सकता। लोक प्रशासन की कार्यशैली जहाँ समाज के विविध पक्षों को व्यापक रूप से प्रभावित करती है, वहीं दूसरी ओर स्वयं लोक प्रशासन अपने सामाजिक और आर्थिक तथा राजनीतिक और परिवेश से भी प्रभावित होता है। इस प्रकार राज्य प्रशासन का अपना एक विशिष्ट महत्व है।